मित्रों, आज का जो वीडियो है प्रॉब्लम्स पे बेस्ड विद्यार्थी मित्रों, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। मतलब मैंने एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया विद्यार्थी मित्रों, और प्रॉब्लम देखिए विद्यार्थी मित्रों मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अभी वो जो प्रॉब्लम विद्यार्थी मित्रों, वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिया विद्यार्थी मित्रों। मतलब कि क्या, एक कार दिए, उसका जो स्पीड है तो 101.08 किलोमीटर से कम होकर 36 किलोमीटर पर आवर पे गया। मतलब फाइनल स्पीड जो था 108 है, सॉरी इनिशियल स्पीड 108 है और फाइनल स्पीड कितना हुआ, 36 हुआ। मतलब देखिए अभी इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है विद्यार्थी मित्रों, 108 किलोमीटर पर आवर, बराबर 108 किलोमीटर पर आवर इसका इनिशियल स्पीड है। अभी कन्वर्जन क्या आएगा, 108 इंटू 36, सॉरी 1000 मीटर पर यूनिट 36 सेकंड, बराबर 0 0 कैंसिल, 108 इंटू 5/1 18, बराबर दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड इसका क्या आया, इनिशियल स्पीड आया विद्यार्थी मित्रों। मतलब फाइनल स्पीड, सॉरी इनिशियल स्पीड मतलब यू, फाइनल स्पीड क्या आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, बराबर 36 × 1000 भागेला बराबर, मतलब 36 36 कैंसल, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, उसका वी आया, वी इसे क्या कहते हैं वी, और इसे क्या कहते हैं यू। मैं आगे मतलब इसके बाद के जो वीडियो देते मित्रों मेरे सीएसआर नेट की जो प्रॉब्लम है वो लूंगा, और कंटिन्यूस वो प्रॉब्लम सॉल्व करके, क्योंकि मैं अभी उसका ही स्टडी कर रहा हूँ। मतलब बाद में देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, यू आर वी निकाला। अभी देखिए टाइम क्या दिया विद्यार्थी मित्रों, 4 सेकंड, बराबर टाइम क्या है, 4 सेकंड। अभी जो एक्सेलरेशन है, टू फाइंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी रहता है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला ये है विद्यार्थी मित्रों, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी, वी की वैल्यू क्या है, वी मतलब 10 माइनस यू 30/4, बराबर −20/4 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, −5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा विद्यार्थी मित्रों। इसका क्या आया, एक्सेलरेशन। टू यूज मतलब आपको क्या दिया है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टू यूज द फॉर्मूला ऑफ सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, टू यूज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है विद्यार्थी मित्रों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t² बराबर, मतलब एस इक्वल टू यू, यू की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम 4 माइनस 1/2 प्लस आएगा ये −5 इंटू 4 इंटू 4, बराबर 3 × 12 120 माइनस, अभी देखिए 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 −40, मतलब इसमें क्या आएगा, 80 मीटर आएगा विद्यार्थी मित्रों। एस डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज इक्वल टू 80 मीटर, इसका राइट आंसर विद्यार्थी मित्रों। देखिए मतलब ये जो प्रॉब्लम दिया था इसमें 108 किलोमीटर पर आवर 2, मतलब जो कार थी वो जिस उसका स्पीड क्या था, 108 किलोमीटर, और वो स्पीड कम होके 36
36 किलोमीटर पर आवर हुआ, मतलब इनिशियल स्पीड कितना 160 और फाइनल स्पीड 36। अभी जो डिस्टेंस मतलब टाइम 4 सेकंड है और डिस्टेंस निकालना है विद्यार्थी मित्रों, तो मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मतलब इसमें इनिशियल स्पीड क्या होगा, फाइनल स्पीड क्या होगा, कन्वर्जन किया है, एज वेल एज इसमें एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वी माइनस यू अपॉन टी, वो यूज़ करके मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया। एज वेल एज मैंने एक्सेलरेशन निकालने के बाद मैंने क्या किया, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है विद्यार्थी मित्रों, दैट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² वो यूज़ किया, और यू की वैल्यू, टी की वैल्यू और एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू निकाल दी। ऐसा ही प्रॉब्लम विद्यार्थी मित्रों, देखिए विद्यार्थी मित्रों, मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।